इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहा है चौथा T20 मुकाबला। अगर आपने नहीं देखा तो भैया आपने क्या देखा, और अगर आपने देखा तो आप यकीन मानो आपको एब्सोल्यूट सिनेमा की तरह लगा होगा, एकदम मजा आ गया होगा देख के। क्योंकि इस T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की धरती पर हमारे भारत के दो दो बल्लेबाजों ने सेंचुरी लगा दिया, और इसी के साथ पहली बार ऐसा हुआ जब किसी T20 इंटरनेशनल मुकाबले की एक ही इनिंग में दो दो बल्लेबाजों ने सेंचुरी लगाया हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो रहे इस मुकाबले में हमारे भारतीय टीम की तरफ से महज 3 बल्लेबाजों ने ही बल्लेबाजी किया, और तीनों बल्लेबाजों ने ऐसा बल्लेबाजी किया ना कि हमारे भारतीय टीम का स्कोर जो है पहले इनिंग में 283 रनों तक पहुंच गया। हर बार की तरह संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में भी ओपनिंग करने आए, और इन दोनों ने ओपनिंग में क्या कमाल धमाल मचाया ना। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होकर चले गए, लेकिन इन्होंने भी जब तक खेला 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। 18 गेंदों में 36 रन बनाए, 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से। उसके बाद का जो एब्सोल्यूट सिनेमा था ना, मजा आ गया देख के। संजू सैमसन और तिलक वर्मा, उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने सेंचुरी लगा दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 194 के स्ट्राइक रेट से महज 56 गेंदों में 109 रनों की नवाद पारी खेले। इस दौरान इन्होंने 9 छक्के और 6 चौके लगाए। उसके बाद तिलक वर्मा का बैक टू बैक सेंचुरी देखकर तो भैया मजा ही आ गया। महज 47 गेंदों में इन्होंने 120 रनों की नवाद पारी खेली। इस दौरान इनके स्ट्राइक रेट जो है 255 की थी, और इन्होंने 10 छक्के और 9 चौके लगाए। तिलक वर्मा को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 2 मुकाबले में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजा, और दोनों ही मुकाबले में तिलक वर्मा ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया ना। इन्होंने दोनों ही मुकाबले में सेंचुरी लगा दिया। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने सेंचुरी लगाया था, और इस मुकाबले में भी इन्होंने 120 रनों की नवाद पारी खेल डाली। और इसी के साथ T20 में लगातार 2 शतक जड़ने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने थे संजू सैमसन। दोनों ही पार्टनर्स ने इस मुकाबले में कमाल कर दिया है। संजू सैमसन ने एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, एक साल में 3 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन दोनों के लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से हमारे भारतीय टीम का स्कोर जो है 283 रनों तक पहुंच गया, और इसी के साथ विदेशी सरजमी पर बनने वाला ये सबसे बड़ा टोटल बन गया। तो अगर आपने इस मुकाबले को पूरे 20 ओवर तक लाइव देखा था तो आपके लाइव देखने का एक्सपीरियंस कैसा था, एक खूबसूरत सा कमेंट करके अपने इमोशन को बयां जरूर करना।